करने पे मिला था, ऑप्शन हमें भी दिए गए थे, बट कहीं ना कहीं हमें पता था टाइटल पैसों से ज़्यादा बढ़कर है एंड कहीं ना कहीं वही जाके हमें आगे जाके हेल्प करेगा। बट कशिश को कहीं ना कहीं ये लगता था कि हम लोग फिनाले में टफ कॉम्पिटिशन होंगे, इसीलिए उसने बैक ऑफ किया, उसने मनी चूज किया। बोला तो रुपये बोल दो मनी खेलना था गेम एंड मुझे लगा कि हम हमारे गेम ना लें। This excuse is not nice because it's a slap on every lower class middle family. हम लोग आना था यार, नेक्स्ट टाइम आयो ठीक है। मैम लेफ्ट से राइट, लेफ्ट से राइट कीजिए, रुक जाओ भाई। हाउ इज गोइंग द विनिंग जर्नी? अरे अगर हम मेन जीते हैं थोड़ा थोड़ा तो बुरा तो लगेगा यार, आई फेल बैड फॉर हर्षल मिशाली एंड दिग्विजय ऑन टॉप दैट, बट आई थिंक ये है कि हम बहुत सारे डिजर्विंग कंटेस्टेंट्स हैं, क्योंकि पूरा जनता यही बोल रहे हैं कि उन्होंने यू 30 कैंडिडेट्स को बीट किया है और फिर सब मिला हमें अगेंस्ट है, फिर भी हम लोग जीते एंड हमने बहुत मेहनत किया है, पूरा 40 बैक टू बैक हम जीते हैं। सो द लव ऑफ द ऑडियंस इज अमेजिंग। आप क्या कहना चाहोगे? इनक्रेडिबल रही है मेरी जर्नी, अप्स एंड डाउन रोलर कोस्टर। बेस्ट पार्ट ये है कि हम लोगों ने फाइट किया, कभी भी गिव अप नहीं किया एंड सबसे अच्छी बात ये है कि आप शो के अंदर भी साथ हैं, शो के बाहर भी साथ हैं और ऐसे ही आपको और बॉन्ड दिखेगा हमारा। बट मुझे काफ़ी बुरा लगा दिग्विजय के लिए, हर्षल मिशाली ऑफकोर्स वो लोग खेल के हारे हैं तो उन लोगों को पता होगा, उनको कोई रिग्रेट्स नहीं है, बट यहाँ पर अगर मैं दिग्विजय की बात करूँ उनको चांस भी नहीं मिला ग्राउंड पर उतरने का और हमारे साथ चैलेंज परफॉर्म करने का। इफ अगर दिग्विजय होता तो कहीं ना कहीं कॉम्पिटिशन अच्छा होता, मज़ा भी आती और इवन दो सारे ऑडियंस को भी मज़ा आता। हम फिर भी जीते हैं, फिर भी जीतेंगे लेकिन it'd be fun to compete with them all. Like at least deserving log hone chahiye the finale mein, kahin na kahin dikhe nahi aaya to us cheez ka hum sabko bura laga, but jo mischief maker ne kiya hai at least wo cheez actually hame bhi mila tha, options bhi hame bhi diye gaye the, but kahin na kahin hame pata tha title paise se zyada badhkar hai and kahin na kahin wahi jaake hame aage jaake help karega, so yeah anyway title over money for sure। एंड वन मोर थिंग आई विल से, कहीं ना कहीं हमने लॉन्ग गेम खेला है शुरू से, बिकॉज वी ऑलवेज टॉक विद ईच अदर, ये कनेक्शन का गेम है, तो अगर आप कनेक्शन के साथ नहीं खेलते तो शायद आप जीत नहीं सकते हो, एंड में ऐसे ट्विस्ट आते हैं जहाँ योर ट्रस्ट योर बॉन्ड इज बीइंग टेस्टेड एंड वी वेंट थ्रू ऑल दैट। कशिश और दिग्विजय नए बॉन्ड है लेकिन वॉट एवर कैन हैपन बिटवीन दैम वी डोंट नो राइट, लेकिन अगर उन्नति होता है दिग्विजय के साथ तो फिर शी वुड हैव चोज़न टू प्ले इन द गेम। सो शुरू में ही चोज पावर ओवर लव लाइक विद टायरा एंड आई थिंक दैट्स व्हाट द गेम फ्लिप्ड फॉर हिम। बट कशिश को कहीं ना कहीं ये लगता था कि हम लोग फिनाले में टफ कॉम्पिटिशन होंगे, इसीलिए उसने बैक ऑफ किया, उसने मनी चूज किया। इट्स नॉट अबाउट कि उसका रेंट कितना है, जो भी उसने सिली से अपने आंसर्स दिए कि रेंट कितना था वगैरह वगैरह, बट उसको कहीं ना कहीं पता था कि टफ कॉम्पिटिशन है, ऐसा नहीं कि हर शाली कॉम्पिटिशन में कॉम्पिटिटर नहीं है। लगता है कि एट मोमेंट वो सोच रहे थे कि लोग मेरे बारे में क्या बोलेंगे, तो उस मोमेंट पे शी सेड दिस फॉर सम सिंपैथी कि लो मिडिल क्लास फैमिली से, लेकिन अभी इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया पे सब कुछ रिवील हो रहा है कि दुबई जा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, 1 लाख का महीने का रेंट है। सो आई डोंट थिंक दैट्स द राइट रिस्पॉन्स। बोला तो रुपये बोल दो कि यार आई वांट मनी, खेलना था गेम एंड मुझे लगा कि हम हमारे गेम खिला दें। दिस एक्सक्यूज इज नॉट नाइस बिकॉज इट्स अ स्लैप ऑन एवरी लोअर क्लास मिडिल फैमिली। मैं भी मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, मैंने भी बहुत मेहनत की है, मैं भी पहले छत पे डांस किया करती थी अपने रील कंटेंट के लिए, बट अब आज मैं अपनी मेहनत से हूँ जो भी हूँ, तो ये एक्सक्यूजेस मुझे बहुत ख़राब लगा और कहीं ना कहीं आपने किसी और का ड्रीम छीना है सिर्फ पैसों की वजह से, वो चीज़ बहुत गलत थी। मगर ये सब छोड़ो, मैं खुश हूँ कि मैं जीत गई मैं जश्नों के साथ और काफ़ी पसंद आया, ये जर्नी काफ़ी अच्छी रही है और वन ऑफ द बेस्ट सीजन रहा है इस चीज़ का। मुझे प्राउड है कि लोग अब बोले कि हाँ सीजन 15 आकृति जशवंत ने जीता है और हम लोग के नाम से जाना जाएगा, दिग्विजय के नाम से जाना जाएगा।
कोई मैसेज नहीं आया बट स्टोरी पे डाला कि हाँ कॉन्ग्रेचुलेशन. ठीक है देखते हैं अभी ऐसा मैं कहूँगी नहीं कि फ्रेंडशिप है बट हाँ कुछ बहुत खराब नहीं. कॉलीग्स तो है हम तो पहले वी हैव द रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर कि यार कॉलीग्स तो है धक्का वक्का नहीं देंगे ऐसे फालतू में एंड आई थिंक दैट्स हाउ मैन आर राइट. सो आई आल्सो फेल वेरी बैड फॉर हिम. रोना भी निकला मुझे वहाँ बिकॉज आई फेल बैड कि किसी का ड्रीम छीन गया किसी ने. सो एटलीस्ट अटेम्प्ट वुड बी ग्रेट.